लुधियाना दा एलीवेटेड पुल टुट गया है जी। हाँ, एक हफ्ते पहला हले इसका उद्घाटन किया गया सी कि देख लो किहो जिहा मटीरियल यूज किया गया है कि एक हफ्ते के अंदर ही इसकी स्लैब टुट जाती है, स्लैब टुट के पुल तो हेठा डिगदी है। वाहिगुरु का शुक्र रहा कि इस स्लैब के हेठा कोई आया नहीं या इस स्लैब डिगण के कारण किसी के सट फेट नहीं बची। जेकर पुल के हेठा जाम लग्या होंदा तां नुकसान वड्डा हो जाना सी। जी हाँ, तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानू लुधियाना दे भारत नगर चौंक नेड़े बनिया एलीवेटेड पुल दियां, जिहदी एक स्लैब टुट के हेठा डिग पई है। हाले एक हफ्ता पहला ही इसनू शुरू किया सी, आम लोगों के लिए इसका उद्घाटन किया सी। तस्वीरां भी सामने आई ने कि सुपरवाइजर NHAI का जो कि कॉन्ट्रैक्टर होंदे ने सड़कां नू बनाउंदे ने, उन्हां दा सुपरवाइजर खुद देखो आ के एलीवेटेड पुल की स्लैब नू जोड़ रहा है, मुरम्मत कर रहा है उसकी। तो दस दिए कि अज सवेरे भारत नगर चौंक विखे ये स्लैब डिग जाती है। खुशकिस्मती यही रही क्योंकि लुधियाने का काफ़ी फेमस चर्चित चौंक है भारत नगर चौंक, जिथे ज़्यादातर जाम लग्या हुंदा है। लोगों नू जाम तो बचाउण दे लई इस पुल का निर्माण किया गया सी। काफ़ी साल लग गए इस पुल नू बनन नू, काफ़ी लम्मा पुल बनाया गया ये। तो देख ही लो कि एक हफ्ते के अंदर इसका की हाल हो गया, एक इसकी स्लैब डिग जाती है। शुक्र है वाहिगुरु का कि हेठा कोई भी शख्स नहीं आया, नहीं तो वड्डा घाटा हो जाना सी। तो दस दिए कि NHAI का जिहड़ा सुपरवाइजर आया सी वो इस गल तो इनकार करता हुआ नज़र आया कि इस पुल की स्लैब डिगी है। उसका यह कहना सी कि वो रूटीन इसकी मुरम्मत कर रहे ने। तो वड्डे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर जेकर ये पुल सही तरीके दे नाल बन के तैयार नहीं सी तां इसनू आम लोगों के लिए तैयार किया ही क्यों गया, आम लोगों के लिए शुरू किया ही क्यों गया, इन्नी जल्दी किस गल दी सी, क्यों इन्नी छेती इस पुल नू निर्माण करके चलवाया गया। देख ही सकते हो कि इसका परिणाम की है, स्लैब डिग गई है। आओ सुनते हैं NHAI दे इस सुपरवाइजर दा इस उपर की कहना है, किवें अपने ते लगे इल्जामां नू इह नकार रिहा है। मेंटेनेंस करने आए हैं हम लोग, को मेंटेनेंस के लिए आए हैं या मेंटेनेंस कर रहे हैं इसको लगाते हैं। ये कौन सी जगह पे गिरा है ये बताओ? ये मालूम नहीं, हमें नहीं मालूम, ये मालूम नहीं। हम लोग को पी सुपर ला के दिया गया, हम लोग मेंटेनेंस टीम है, हम लोग को इसके बारे में कुछ आइडिया, ये भी हमको नहीं मालूम है सर। अच्छा। मैं तो यहाँ मेंटेनेंस का है, जैसे कॉल आता है हम लोग मेंटेनेंस करने आते हैं। ये स्लैब नीचे गिर गया था? नहीं, नीचे नहीं था, स्लैब ऊपर ही गाड़ी में लोड होके था यहाँ खड़ा। बोलते हैं कि स्लैब नीचे ना, ना ना ये गलत बात है। ये क्या है कि देखिए, हमारे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला है, ये रिपेयर करने के लिए इसको रात को खोला गया था, ट्रैफिक नहीं था, इसको अभी इसको रिपेयर किया जा रहा है। अच्छा, तो ये खोला गया था, गिरा नहीं है। 100% है गिरे रहने से। आप बताइए, इतना सिटी में काम कर रहा है आदमी है, यहाँ तो जमावड़ा लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको खोला गया था और रिपेयरिंग करने के लिए कुछ डाउट आई होगी मैनेजमेंट को, तो रिपेयरिंग करने के लिए खोला गया था, इसको अभी रिपेयर किया जा, संडे का दिन है, ट्रैफिक कम है, इसलिए इसको रिपेयर कर दिया जा रहा है। हमारा शुभ नाम पप्पू पांडे है। पप्पू पांडे जी, आपकी डेजिग्नेशन क्या है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में? मैं बस ये लेबर लोग को हैंडल करता हूँ। अच्छा, सुपरवाइजर? हाँ, सुपरवाइजर। पक्की बात है कि मतलब नहीं नहीं, नहीं गिरा नहीं था, खबर ये पहुंची कि गिरा था। अरे सर, गिरा रहता तो यहाँ तो बहुत सी दुकानें हैं, बहुत सी पब्लिक है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग सुबह 9 बजे से इधर हैं, सुबह ऊपर मटेरियल हमारा बद्वाल से आता है, बद्वाल से आया हुआ यहाँ मेंटेनेंस करने के लिए। इसको रात को जो टीम था, नाइट डे नाइट दो शिफ्ट चलती है, नाइट वाला इसको डिस्पोजल करके लेके गया, दूसरा मटेरियल उसको भेजा, यहाँ फ्रेश करके इसको लगा रहे हैं। नहीं मतलब इसे अपने आप खोल कर लेकर गया? खोल के लेके गया। तो कारण? कारण उस, अभी मान लीजिए अभी तो ये ब्रिज चल रहा है, तो मान लीजिए बना हुआ कहीं कुछ डिफेक्ट नज़र में आता है तो उसको साथ के साथ, मतलब स्लैब पुराना खोला और नया लगा रहे हैं। नया लगा रहे हैं। गिरा नहीं है।